पीथमपुर थाना सेक्टर के अंतर्गत बीती रात पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 16 जुआरियों के पास से लगभग 1,27,000 रुपए नकदी जब्त किए हैं। काफी दिनों से पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पीथमपुर ग्राम धन्नड़ स्थित एक बंद पड़ी कंपनी में दबिश देकर जुआ खेल रहे 16 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जुआरियों के पास से 1,27,000 रुपए नकदी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पीथमपुर के ग्राम धन्नड़ स्थित वीरान बंद पड़ी हुई कंपनी में रात्रि में जुआ चलने की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी। पीथमपुर नगर पुलिस अधीक्षक अमित मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सेक्टर एक संतोष दोधी के नेतृत्व में 10 अन्य पुलिस कर्मियों की टीम ने प्राइवेट वाहनों मैजिक गाड़ियों में बैठकर मुखबिर की सहायता से वीरान बंद पड़ी कंपनी परिसर पर दबिश देकर जुआ खेल रहे 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। हमें 2-3 दिन से सूचना मिल रही थी के धन्नड़ में कोई बंद कंपनी परिसर है जो खंडर नुमा है, वीरान है, उसमें रात में लोग आकर बाहर से जुआ खेलते हैं। तो इस सूचना की तस्दीक में हमने मुखबिर लगाया और पता चला कि एक कंपनी के अंदर जो है कहाल बना हुआ है, जो वीरान है, वहां पर कुछ लोग बैठकर जुआ खेलते हैं। तो आज मुखबिर की सूचना पर करीब 15 से 20 पुलिस कर्मियों के साथ हमने वहां पर दबिश दी, जिसमें करीब 15-16 लोग वहां पर ताश पत्ती और जुआ खेलते पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से करीब 1,27,000 रुपए जब्त हुए हैं और कुछ वाहन जब्त हुए हैं और 4-5 लोग वहां से भागे हैं। आपका नाम और पद बताएं। संतोष दूधी, TI सेक्टर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।